जनपद संभल के चंदोसी में दिवाली को देखते हुए अग्निशमन प्रभारी खुशनूर हुसैन ने लाइसेंस धारक पटाखा वालों के गोदाम व गांधी पार्क में लगी दुकानों को चेक किया। प्रदेश भर में हो रहे हादसों को देखते हुए जनपद संभल के चंदोसी में प्रशासन सतर्क हो गया है। अग्निशमन प्रभारी खुशनूर हुसैन ने लाइसेंस धारक पटाखा वालों के गोदाम व गांधी पार्क में लगी दुकानों को चेक किया। इस विषय में अग्निशमन प्रभारी खुशनूर हुसैन ने बताया कि दिवाली के त्योहार और उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुपालन में लगातार नगर के लाइसेंस धारक पटाखा व्यापारियों के लाइसेंस तथा गोदाम चेक किए जा रहे हैं। साथ ही इन्हें निर्देश दिए गए कि फुटकर व्यापारियों को तब तक पटाखे न बेचें जब तक कि वे फुटकर लाइसेंस न दिखाएं। पटाखे गोदाम और दुकानें चेक की हैं, जिसमें भी कंपनी बाग में नया बाजार लगा है, वहां भी आपने चेक किया, क्या बताएंगे, क्या देखा आपने? कंपनी बाग में पिछले साल भी लगी थी, इस साल भी लगी है। उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, आग ना लगे, किसी को चला कर नहीं दिखाएं पटाखा, और आदमी आसपास में न रहें, रेता बालू पानी और सिलेंडर आग बुझाने के रहें। हमारी वहाँ पर फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी भी खड़ी रहेगी उनकी सुरक्षा के लिए, पब्लिक की सुरक्षा के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है और प्रदेश सरकार का भी आदेश है कि बीच बीच में इनको चेक करते रहें और देखते रहें कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो। इसी के लिए मैं पूरे शहर में भ्रमण कर रहा हूं और ये देख रहा हूं यहां पे ये छोटू का गोदाम है, ये भी सुरक्षित है, सब यहां पे भी डिस्टेंस का भी पालन किया जा रहा है और वैसे भी सभी से ठीक है। आप लोगों का भी सहयोग है, आप लोगों ने भी इधर उधर दिखाया है खबर, तो उसका मीडिया से भी बहुत फ़र्क पड़ा है, पब्लिक जो है कुछ जागरूक हो गई है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी शहर में भ्रमण किया है और उसकी वजह से हमारा काम भी आसान हो गया है और आगे भी करते रहेंगे।